इतना सब होने के बाद भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोल देंगे सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। पास एक महिला खिलाड़ी का फोन आया है, 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हैरेसमेंट हुआ है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के राजी होता है। मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, वो मेरे से आज तक नहीं मिले। अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता एक घंटे की मीटिंग में सॉल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। बच्चों को बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहां से आना मुश्किल हो जाएगा। झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आंखों में आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं टिके? नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में देश के नामचीन पहलवानों के धरने का प्रदर्शन का आज तीसरा दिन भी खत्म हो गया। ये नामचीन पहलवान 3 दिनों से कुश्ती संघ के अध्यक्ष, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कुश्ती संघ को भंग करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज 72 घंटे की वो म्याद भी लगभग खत्म हो रही है जो म्याद खेल मंत्रालय की तरफ से कुश्ती संघ को दिए गए नोटिस में 72 घंटे में जवाब मांगा गया था। 72 घंटे होने जा रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह की तरफ से, कुश्ती संघ की तरफ से सरकार को अब तक कोई जवाब नहीं आया। खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। खेल मंत्री की कल रात 3 घंटे से ज्यादा बात, आधी रात को, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की बातचीत चल रही है, अधिकारियों से भी बातचीत हो गई। ये पहलवान जंतर मंतर पर धरने के दौरान आज भी कहते रहे कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। इस बीच गोंडा से बीजेपी के बाहुबली सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिन पर आरोप है, उनका एक बयान आया, उनका बयान आया कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाए। हमारे साथ भी कई खिलाड़ी थे। उस बयान के बाद यह माना जा रहा था कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ब्रजभूषण सिंह, जो पहले 12 बजे करने वाले थे, और कुछ खुलासे करें। ऐसा कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण सिंह खिलाड़ियों के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन तभी खबर आई कि उन्हें ताकीद की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से, कि वो मीडिया के सामने ना आए या कोई ऐसी बात ना कहे जिससे बवाल हो जाए। और उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार वक्त मुकर्रर होने के बाद स्थगित हुआ, कैंसिल हुआ। एक पन्ने की इस बीच एक चिट्ठी, पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उनको एक पन्ने की चिट्ठी 5 पहलवानों के दस्तखत के साथ भेजी गई है। उस चिट्ठी में क्या है और आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खासतौर से विनेश फोगाट ने क्या कहा, विस्तार से सुनिए, कुछ हिस्से आपने शुरू में सुना है, जिसमें चुनौती दी है विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को। जब उन्होंने कहा मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, उसकी चुनौती फिर दी है कि हमारे सामने कुछ देर के लिए आकर तो दिखाइए, और बाकी क्या कहा आगे। लेकिन एक पन्ने की जो चिट्ठी लिखी है पीटी उषा, उसमें कुछ बातें जिसमें 3 खास मुद्दे हैं। एक तो विनेश इसमें दस्तखत है विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मल्लिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया। क्या कहा गया इस चिट्ठी में? इसमें विनेश की तरफ से कहा गया कि विनेश को मानसिक यंत्रणा दी गई कुश्ती संघ के अध्यक्ष की तरफ से, जिसकी वजह से टोक्यो ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाई, खुदकुशी के कगार तक पहुंच गई। ये पहले भी उन्होंने कहा था। इसके अलावा कुश्ती संघ के अध्यक्ष की तरफ से नाकाबिल कोच की तैनाती होती है। लेकिन खास बात जिसका जिक्र इस चिट्ठी में है, जो पीटी उषा को चिट्ठी लिखी गई, पीटी उषा को चिट्ठी में लिखा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA यौन शोषण की जांच के लिए कमेटी तत्काल प्रभाव से बनाए, पॉइंट नंबर दो, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का तुरंत इस्तीफा हो, पॉइंट नंबर 3 कुश्ती संघ भंग हो, पॉइंट नंबर 4 बल्कि इसको मांग कह सकते, डिमांड नंबर 4 खिलाड़ियों की सलाह से कुश्ती संघ के संचालन के लिए नई कमेटी बने। ये चिट्ठी लिखी गई है IOA की प्रेसिडेंट पीटी उषा को। अब उसके बाद इस चिट्ठी की तरफ लिखने के बाद क्या होता है, जवाब अभी चूंकि फेडरेशन की तरफ से आया नहीं, कुश्ती संघ की तरफ से, सरकार बीच में कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। पहलवान कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं जब तक कुश्ती संघ भंग नहीं होगा और उनका इस्तीफा नहीं होगा। एक सवाल बहुत सारे लोग कह रहे हैं, FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है?
अगर पहलवान कह रहे हैं तीन दिन से, और वो कह रहे हैं कि हम कल जैसे कहा विनेश फोगाट ने कि हमारे साथ पांच छह ऐसी लड़कियां हैं, बजरंग पुनिया ने भी कहा जिनके साथ शोषण हुआ, वो कह सकती हैं, कहने को तैयार हैं, यहां तक कह दिया विनेश फोगाट ने कि अगर पीएम हमें बुलाएं तो हम नाम भी दे देंगे, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक एफआईआर की पहल पहलवान क्यों नहीं कर रहे। ऐसा बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यौन शोषण हुआ तो ये पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। पहलवानों का कहना है कि बहुत सारी लड़कियां सामने नहीं आना चाहती, हम पहले से सड़क पर हैं, इसलिए पहले इस्तीफा हो ताकि जांच सही से हो, क्योंकि वो जो अध्यक्ष हैं कोई मामूली आदमी नहीं है, बीजेपी के सांसद हैं, बाहुबली हैं, रसूखदार हैं, इसलिए इस्तीफा हो और उसके बाद हम बाकी सारी बातें करेंगे। इन्हीं सब के बीच वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ मुद्दे, जैसे एक बात ये कही जा रही है कि अब खेल मंत्रालय करेगा क्या, सरकार के पास विकल्प क्या है। सरकार की तरफ से कहा गया हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटा नहीं सकते क्योंकि वो एक चुने हुए अध्यक्ष हैं और एक बॉडी है जिसका चुनाव होता है। लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल है कि वो बीजेपी के सांसद हैं, एक फोन कॉल काफी है प्रधानमंत्री मोदी का या अमित शाह का बृजभूषण सिंह को कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि इनकी मांग है, और उसके बाद जांच होती रहेगी। लेकिन क्या सरकार ये पहल करेगी, अब सवाल ये उठता है। बृजभूषण सिंह कैसरगंज से लेकर गोंडा, फैजाबाद और आसपास के इलाके में रसूख रखते हैं, उनका एक वोट बैंक है, उनका दबदबा है और बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, चुनाव 14, 15, 16 महीने बाद है लोकसभा का, तो बीजेपी माप तौल रही है। बीजेपी मतलब मैं सरकार की बात कर रहा हूं, वो ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहती कि सांसद नाराज हो जाए या सांसद बागी हो जाए, और ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहती जो किसान आंदोलन जैसी स्थिति हो जाए और लंबा चले, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। लड़कियों ने, देश की बेटियों ने, उन पहलवानों ने, उन महिला पहलवानों ने आरोप लगाया जिन्होंने भारत के लिए दुनिया के मंचों से गोल्ड मेडल से लेकर सिल्वर मेडल तक जीता है। देश का नाम, बार बार मैंने कहा देश का नाम रोशन किया, पहला तो यही होना चाहिए कि उनकी इस मांग पर सरकार तुरंत पहल करे, संवाद करे और उसके बाद रास्ता निकाले कि खिलाड़ी जो धरने पर बैठे हैं तीन दिन से वो अपना धरना वापस लें, बृजभूषण सिंह इस्तीफा दें और उसके बाद जांच हो। लेकिन फिर कई सवालों के बीच ये आज खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक, देखना है क्या होता है। आज पूरे दिन मैं भी जंतर मंतर पर था, लग रहा था कि कोई रास्ता निकलेगा। एक ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नैतिक आधार लेते हुए या कुछ आरोप लगाते हुए ही बृजभूषण सिंह इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि 22 तारीख को जो बैठक है फेडरेशन की, कुश्ती संघ की, उस बैठक में बृजभूषण सिंह इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चलिए इतना है, एक बार सुनते हैं आगे कि जो धरने पर बैठे पहलवान हैं वो क्या कह रहे हैं। विनेश फोगाट ने आज 12-13 मिनट लगभग मीडिया से बात की, मैं भी वहां था, चूंकि मैं चाहता हूं कि उनकी बात आप सुने, उससे आप समझें। बृजभूषण सिंह का चूंकि बयान आया नहीं, उन्होंने जो पहले कहा वो सुबह के वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने दिखाया, आज सिर्फ उन्होंने कहा सुनामी आ जाएगी मैं बोलूंगा, तो उसका जवाब विनेश फोगाट ने दिया, वो भी आप सुनिए, और उसके बाद हम इंतजार करते हैं सरकार कैसे इस पूरे मामले में दखल देती है। खबर एक समझने की कोशिश कर रहा था कि भारत सरकार क्या कर सकता है, कर सकती है, या इंडियन ओलंपिक संघ के पास क्या अधिकार हैं, तो इसमें देखा मैंने किसी अखबार में ही वेबसाइट पर, जिसमें पहले ये नेशनल फेडरेशन को भंग करने का अधिकार आईओए के पास है, जिसकी प्रेसिडेंट पीटी उषा है, और पहले हो चुका है 2008-09 में जब हॉकी फेडरेशन को भंग किया गया था, और उस समय बहुत फैसला लेने का अधिकार पीटी उषा को है, लेकिन क्या वो ऐसे कोई फैसले लेंगी, कुछ ये सवाल है कि पहले कुछ सबूत भी दे, ये पहलवान सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर यौन शोषण की आरोप अगर लगा रहे हैं तो वो लड़कियां क्या लिखित कोई बात एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ऐसे कुछ सवाल पूछे भी गए कुछ पत्रकारों की तरफ से, मैं चाहता हूं उनको सुनिए ताकि आप समझिए कि वो जो कह रहे हैं और जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनके बीच में कोई ऐसी बात भी तो नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। हमारी एक चीजें थी जिस पे हम संतुष्ट नहीं थे, वो हम फिर से रखेंगे, अगर उस पे हमारी सहमति बन जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर बात क्या रहेगी, और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, हम यहीं पे ट्रेनिंग करने आएंगे। बाकी जो भी बातें होंगी, देखिए सर काफी मुद्दा काफी गंभीर है, काफी चीजें हैं, एक मीटिंग से अगर सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता।
लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं। जब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हमें एश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ कि कुछ भी नहीं होगा, सब खिलाड़ी ठीक हैं, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, और उसके देखिए जिस चीज पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो गई खेल मंत्री जी से बात करने के बाद, मैं आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे आप सबके सामने। देखिए चर्चाएं काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ वो चीज, क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन हुआ है। और लेकिन समिति पर आप राजी होंगे क्या? देखिए हम यहाँ आए थे कि अपने आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए, अगर आत्म सम्मान ही हमारा सबके सामने ऐसे बिखर गया तो फिर क्या ही लड़ाई रहेगी। वो तो हमारा आत्म सम्मान तो हमारा था, मतलब खो ही चुका था, तभी हम इस सड़क पे आए हैं। आत्म सम्मान की लड़ाई थी अगर, और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा कि बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन देखिए मैम वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोल देंगे सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर है, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये हिलेंगे नहीं ना कुछ भी होगा। सर देखिए 6 बजे मीटिंग है, हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सॉल्व हो जाता। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है, एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है, बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना, आप समझ रहे हैं। देखिए सरकार की, लेकिन नहीं देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं, आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आप खेलिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए एक सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात हो रही है इधर। देखिए जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए थे जिस पे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए, क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो, हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए, हम जो डिसीजन जो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ उठ के बताएंगे कि उन वो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग ही बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाला, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा, तो मैं अभी क्या ही बताऊं कि कितने अगर कमेटी सेटअप होती है तो क्या आप इसे आज भी क्या रहेगी? चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के राजी होता है? कुर्सी पे बैठना सबको अच्छा लगता है, खड़े होने से सबके पैर दर्द होते हैं। विनेश,
राजनीति में वो, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो दो तीन ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो मैं उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की थी भी। राजनीति किस चीज की कर रहे हैं, इतनी लड़कियां हैं, परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं, हम राजनीति के लिए नहीं आए थे, हम आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारा हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों में जो हम जा रहे थे या हर एक चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, वो आत्म सम्मान की लड़ाई थी। हम वो आत्म सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में किसी भी हाल में वो डिस्कशन हमारा चल रहा है बस। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, वो मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं मैच हार गई थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब आप लोग समझदार हैं, आप देखिए अगर किसी लड़की को अगर खोटा सीधा बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। हमने तो ऐसे बोला था ना कि अंधेशा है पकड़ के रखो। बस 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 और कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, वो यूपी में हम चाह रहे हैं कि वो इधर ही रहे, किसको बजरंग को दे। देखो जितनी बातें जितने मुंह उतनी बातें, वो कुछ भी बोलते रहे। हमने तो बात की अपनी रख दी है, सब पहलवानों ने अपनी बात रख दी है। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे फिर, यही क्यों नहीं डटे। जब वो यहाँ से भाग सकते हैं तो देश से भी भाग सकते हैं। और आप लोगों में से ही किसी को थप्पड़ मारा था उन्होंने। मैडम हर काम करेंगे, एक बार हम अभी खेल मंत्री जी के पास जा रहे हैं, उसके पास तो बात करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। और विनेश ने बताया अगर बात नहीं सुनी गई तो कल यहाँ पे आपको रेसलिंग मैट भी देखने को मिलेंगे। देखिए वो देखते हैं कमेटी, अगर कमेटी से हम संतुष्ट होंगे तो जरूर उस पर बात करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे। अकेले हम नहीं है कि भाई हम आगे, हाँ ठीक है ओके है, हम बात करेंगे खिलाड़ियों से, वो सहमत होंगे तो हम सहमत होंगे, नहीं तो। देखिए आज मेरे पास एक महिला खिलाड़ी का फोन आया है, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है, उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असोल्ट हो रहे हैं हम, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है। और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे, मैं हर चीज ओपन नहीं बोलना चाहूंगी। अध्यक्ष जी पे होगा, अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत ही नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है, वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास, वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। बजरंग सही बोल रहे हैं कि कुर्सी तो आप लोग छुड़वाओगे, आप लोग अगर उनके साथ में बोल लोगे इतना सब होने के बाद तो अगर उनमें थोड़ी बहुत शर्म आया होती तो वो वैसे ही छोड़ देते, तो इसका मतलब है इज्जत सम्मान।
सम्मान तो उनके पास है ही नहीं, लेकिन हमारे पास इज्जत सम्मान है, हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितना विनेश, क्या सीबीआई इंक्वायरी चाहिए आपको इसके लिए? विनेश, क्या सीबीआई इंक्वायरी चाहिए आपको इसके लिए? वही देखिए, खेल मंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से जो हमारी चर्चाएं हो रही हैं, हर चीज पे डिस्कशन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, मैं वही बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हम इस चीज पे लड़ाई है या इस चीज पे नहीं है, इस चीज पे डिसएग्री है, एग्री है। क्या सीबीआई इंक्वायरी चाहिए आपको? बाकी जो भी होगा हम मीटिंग के बाद में बता देंगे, नहीं तो अगर कुछ भी अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो कल 10 बजे हम यही मिलेंगे रेसलिंग मैट के साथ। देखो सारे खिलाड़ी तो इधर ही हैं, सब खिलाड़ी आ रहे हैं। मैं तो बोल रही थी कि बच्चों को बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहां से आना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में है, जो नहीं पहुंचे हैं, वापिस आ जाओ। कॉम्पिटिशन कैंसिल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कुछ तो कदम उठाना है। छह बजे मीटिंग होने के बाद में हमारा जो रेसलिंग का जो मुद्दा चल रहा है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा आप सबको बता दिया जाएगा। अभी आप जितने भी सवाल पूछेंगे तो हम मतलब जो डिसएग्री एग्रीमेंट हो रहा है वो अभी मैं ओपनली तो मैं नहीं बोल पाऊंगी किसी भी चीज के बारे में। मैं बस वही अध्यक्ष जी की हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने कुछ नहीं, अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आंखों में आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया है। बस हमारी आज भी हम बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखों में से ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। बस आप सबका धन्यवाद। उसके अगर हमारी हमारी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हुआ, अगर हम अगर एग्री नहीं हुए किसी भी चीज पे, कोई भी मुद्दा अगर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, तो कल हम फिर से 10 बजे यही मिलेंगे, लेकिन रेसलिंग मैट के साथ में इधर ही ट्रेनिंग होगा। धन्यवाद। भाई बैठ जाओ। इनकलाब।